जब बेइज्जती मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये चांद रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। बंदे में पागल है यार, प्लास्टिक देगा यार, सॉरी यार, मोशन खराब कर रहे हैं मेरा। मतलब आप किधर, आपके दोस्त भी मिले हैं? अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ हमारे साथ? ज्यादती हुई थी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अंधों के शहर में आईने देख रहा हूं। ओ, नो 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 यार, मैं बोल रहे हैं, मैं पागल है गावा यार। डेट ऑफ बर्थ है 32 तारीख को पैदा हुए थे वो। पाक सरजमीन चाद बाग। उनको मेकअप की जरूरत कोई नहीं होती, जैसे कि मैम की पर्सनालिटी है। अरे मन चले मुरा ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। फर्स्टो में क्या सुनाने में वायरल हो जाऊंगा। प्यार से शानी बोल दो। मैंने ये हैंडसम क्रीम लगाता हूँ, स्किन वाइट साबन लगाता हूँ, राणा राजपूत के साइयों का बेटा हूँ, बहुत बड़ा बदमाश हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बूझ पहेली और मैं हूँ आपकी होस्ट किरण शेख। जी तो नाज़रीन, हमारे हुए हैं टाउनशिप मार्केट में और जैसे कि आप जानते हैं मैं आज मजे मजे की एक पहेली लेके आई हूँ, बहुत ही मजे की पहेली है। पहेली वो कुछ यूँ है कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और उम्मीद है आज का प्रोग्राम बहुत मजे का होने वाला है, आप मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम आवाम से पूछते हैं, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक, आपका क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? तैयब। तैयब क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 10th में हूँ, भी 9th के पेपर दिए हैं। अच्छा, मुँह पे ब्लीच की है? हाँ जी। क्यों? दाढ़ी पे किया थोड़ी। क्यों ब्लीच क्यों की है? गोल्डन करने के लिए, बाल गोल्डन करने का ज्यादा शौक है जी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वैसा कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी? अंडे और दूध। मुर्गी अंडे देती है। ऐसा कौन सा जानदार है जो दोनों चीजें देता है, अंडे भी और दूध भी? खरगोश। खरगोश अंडे भी देता है? पता नहीं, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? जिसकी जुबान लंबी है? जराफा ही होगा। बिल्कुल जराफा ही है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वैसे क्या चीज है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? ना जल सकती है ना डूब सकती है। कश्ती। जल नहीं सकती कश्ती। जल सकती है, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा क्या बनने का इरादा है? क्रिकेटर। वो क्यों? वैसे शौक है फास्ट बॉलिंग का। अच्छा आपको शौक है जी, इसके अलावा कोई अच्छी फील्ड नजर नहीं आई? नहीं। क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी। चलो कोई सॉन्ग सुनाओ। कौन सा? कोई भी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र दुआएं। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। क्या करते हैं? फारिग। वेले वेले नहीं, पंजाबी बोलनी। अच्छा फारिग वेले एक ही लफ्ज हुआ ना, तो मतलब क्या कोई काम शाम नहीं करते? काम नहीं। क्यों? एज 60 साल हो गई है। 60 साल एज हो गई है। यहाँ पे तो जो होते हैं ना ओल्ड मैन जो होते हैं वो भी अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ते, वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप क्यों वेले? पेंशन मिली है। पेंशन मिली है। वैसे सारा दिन क्या एक्टिविटी होती है? इधर ही दोस्तों के पास। दोस्तों के पास, मतलब आपकी तरह आपके दोस्त भी वेले हैं? नहीं वो तो काम कर रहे हैं, वो करते हैं काम रात को। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारे साथ ज्यादती हुई। आपके साथ ज्यादती कैसी हुई? हमारे साथ, आपके नहीं हमारे साथ, हम सबके साथ। क्या ज्यादती? वो कैद आजम ने हमें पाकिस्तान बना के दिया था और उसके बाद हमारा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया आपने। मैंने की है? आप सब ने। नहीं है, हम सब बर्बाद हुए हैं और हम सब ने ही पाकिस्तान आबाद। हाँ जी। क्या वजह? पाकिस्तान में खुश नहीं है? वो असल में 1 रुपए का $1 था ना जब कैद आजम आए थे, 1 रुपए का $1 था। हाँ जी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने 1 रुपया अपनी पे ली थी। अच्छा। सैलरी जैसे सैलरी कहते हैं तो 1 रुपया सैलरी लेके उन्होंने अपना 1 साल चलाया पाकिस्तान को। उसके बाद वो कर्जे दे रहे थे लोगों को, दूसरे मुल्कों को,
अब हम कर्जे ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से। अब ले रहे हैं, सही हो गया। तो क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम? मैसेज यही है कि 14 अगस्त जो है ना वो मनाने के लिए नहीं है, 14 अगस्त जो इस वक्त अफसोस के लिए बना हुआ तकरीबन मनाने के लिए नहीं है। 14 अगस्त ये इनका कहना है, 14 अगस्त मनाने के लिए नहीं है, किसके लिए? मैंने कहा अफसोस का मुकाम है। अफसोस का मुकाम है क्यों? ये देख लें आपके सामने है, ये 2 दिन इनका कारोबार है। आवाम रो पिट रही होती है ना महंगाई को, महंगाई बहुत है ये वो, आप रश देख रहे हैं, फिर भी बाजारों में जब भी आते हो रश होता है। ये बिजली के बिल नहीं दे सकते, ये 50-50 की चीजें खरीद रहे हैं बेचारे। बिजली का बिल नहीं दे सकते और चीज खरीद रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं। अच्छा देख ले, पाकिस्तानी आवाम गरीब नहीं है? गरीब है। नहीं गरीब, गरीब है। बाकी का लेने के लिए आते हैं तो कह रहे हैं ये 30 लगा ले। सही कहते हैं, क्योंकि 40 का पीछे से लाए हैं, 30 का कैसे बेचेगा ये? हमें पता है ना ये होलसेल में रेट जो है ना वो बहुत सस्ता है, होलसेल में तो ये चीजें सस्ती मिल। चाइना की 480 रुपए पिन। इधर आके बात करें ना। फ्री 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 देते हैं, जब सियासतदान जब मर जाएंगे ना वापस देंगे आपको। सियासतदान तो कभी नहीं मरेंगे। मरेंगे क्यों नहीं, वो नहीं जाते। किसके सपोर्टर? मैंने भी नहीं जाते आपकी। किस सियासतदान के सपोर्टर हैं आप? वो सपोर्टर नहीं है, हम वोटर हैं सिर्फ। वोटर हैं सिर्फ, वोट किसको वोट दिया? जिसको दिल करता है उसको देते दे देते हो। तो फिर मुल्क की बर्बादी आप लोगों के हाथ में है ना? नहीं 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 नहीं, फिर हुकूमत आप ही लेके आते हैं ना, जिसको भी सिलेक्ट करना है वोटिंग आवाम लेके आती है। आपको नहीं पता? नहीं, आवाम लेके आती है वोट दे के। बताओ, मैं सही बता रही हूँ। सही बताओ, कौन लेके आया था? कौन लेके आया क्या? जो जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो कह रहा है कि कौन लेके आया इसे? कौन लेके आया? नवाज शरीफ को कौन लेके आया? इनको वोट मिले वो भैया पूछ रहा है। किसको? जो इस वक्त वजीर आजम है। तरला करके लेके, वही तो कह रहा हूँ को तल्ले करके लेंगे। ये किसके सपोर्टर हैं? ये नवाज शरीफ के हैं। नवाज शरीफ के हैं इसलिए रो पिट रहे हैं। लेकिन वोट नहीं दिया उन्होंने, सपोर्टर नवाज शरीफ के ही हैं। वोट किसी और को दिए? वोट दिया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा जब फायदा ही कोई नहीं वोट का। वोट तो देना एक हक है ना, उसने नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? शुक्र है लगा। क्या नाम है? आसिफ। आसिफ क्या करते हैं? काम ही करते हैं। और कैसा चल रहा है काम? शुक्र है लगा। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि वैसे क्या चीज है या वो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? दूध भी देता है, अंडे भी देता है। केड़ा गाड़ी क्या कोई काकड़ी बेकरी? बेकरी देती है दूध भी अंडे भी? दूध भी देती है अंडे भी, ले लो जाके। अच्छा चले मुझे ये बताएं 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? इसका बेटा हरम पैदा हुआ। मेरी बेटी हुई 13 अगस्त को। 14 अगस्त को इनका पोता पोता है? भतीजा भतीजा पैदा हुआ है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कायदे आजम का पैदा हुआ? की उम्र कितनी थी? 70-75 साल। 70-75 साल। अच्छा चलो कौमी तराना सुनाए। कमरे लगे ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। IMF ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? IMF ਨੇ। IMF ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMF ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦਮ ਕੌਣ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज क्या करते हैं? लगाया हुआ है। चलिए मुझे ये बताएं कि वैसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? कौन सा जानवर है जो अंडे भी देता है? जानदार 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 नहीं, ये तो मालूम है। सोचे
नहीं माइंड में आ रहा, चलिए कोई शेर सुना दे फिर। क्या हाल पूछते हो हमारे कारोबार का, क्या हाल पूछते हो हमारे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेच रहा हूँ। पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद ज़मीन शादबाद। क्लैपिंग कर लो। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक क्या करते हो? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में अल्लाह पाक ने रखा। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी? जानदार है? जानदार तो फिर बेकरी है जो दूध भी देगी और अंडे भी। सुन लिया वहाँ से? नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे इल्म था। अच्छा चले, मुझे ये बताएं वो ऐसी क्या चीज़ है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? जल सकती है ना डूब सकती है? ना जल सकती है ना डूब सकती है। देखो जी सवाल जवाब वाले बहुत हैं, बर्फ ही है। बर्फ ही है। अच्छा चलो मुझे ये बताएं वो ऐसी क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत एक महीने से ज़्यादा नहीं है? मुझे नहीं लग। वैसी क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी जो मुद्दत है वो एक महीने से ज़्यादा नहीं है? नहीं। चलो कोई शेर सुनाओ। शेर, इतना तुझे चाहा के टूट कर बिखर गए, अगर इतना खुदा को चाहते तो वक्त के बली होते। क्लैपिंग हो जाए। अच्छा चले, अब हमें कौमी तराना सुना। कौमी तराना थी मैंने, भाई ने सुनाया कुछ और कुछ है? नहीं आप सुना। चले एक और शेर सुना जी। एक और शेर। अच्छा जी, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, जुदाइयों के सदमे उठाए हुए हैं, ले आओ खंजर और करो हमें कत्ल, हम कब से सर को झुकाए हुए हैं, खिलौना समझ के ना तोड़ो हमें, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खंजर ले गया जरा। सही हो गया। चले कोई सॉन्ग आता है आपको? नहीं सॉन्ग नहीं आता। शेरो शायरी से लगाओ है? बस थोड़ी बहुत, दोस्तों में बैठे होते हैं फिर शेरो शायरी हो जाती है। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। चले, सर कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? कौन सा जानदार है दूध भी देता है और अंडे भी देता है? चमगादड़। हाँ अंडे भी, वो बच्चे भी देते हैं। वो कौन सा जानवर है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? जानदार होते हैं जो जानदार, तुम्हें नहीं पता, चलते फिरते इंसान को, जिंदा इंसान को जानदार कहा जाता है। अब वो दूध भी देते और अंडे भी देता है, वो फिर हवाई चीज होनी है। हवाई चीज नहीं है वो, फिर अल्लाह का हुक्म होएगा। बताओ, दूध भी देता है और अंडे भी देता है, एक चीज दे सकता है या अंडे भी देता है? ये क्या बच्चे बोलंदे में पागल है? मैं प्लास्टिक देगा यार, सॉरी यार, सारा मोशन खराब कर रहे हैं मेरा। ये लड़ने वाली कौन सी बात है? नहीं वो एक बंदे का, ये प्यार के लायक नहीं ना है। प्यार 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 करें तो बेवफाई हो जाती है, प्यार करना नहीं चाहिए। बेवफाई नहीं होती, हो जाती है। लड़की के पीछे बड़ा कुछ हो जाता है। दो दिन पहले चुपेड़े खाई है इसने। नहीं मैंने क्यों खाई चुपेड़े? मैं सिर्फ रात को खाते चुपेड़े, बस रात के टाइम खाते में चुपेड़े बस। बीवी मारती है? हैं हाँ बहुत मारती है। क्यों? बस वैसे ही हरकतें नहीं सही मेरी। बाबे आ जाते हैं बीवी के अंदर। इन्हें फटते हैं? आहो काटे और किसे फटते नहीं फटते। इनकी बुड्ढी कहती चल पुत्र हूं आइया। जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? यार मैं बोल रहा हूँ, मैं पागल लेगा मैं यार। तू कर ला इंटरव्यू, तू कर ला। कोई और सवाल पूछ ले। अच्छा कोई और सवाल, चले मुझे ये बताएं इंटरेस्टेड हो ये जानवर जुनवर से, नहीं कोई अच्छा है, पॉलिटिक्स के मुताबिक हो या वैसी? मैं पॉलिटिक्स के प्रोग्राम करती हूँ। नहीं वैसे तो आप फनी करती हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जो आजकल रियलिटी हो रही है, इसके हिसाब से आप पूछें। अच्छा चलो मुझे बताओ 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? 14 अगस्त को मेरी सास पैदा हुई थी। 14 अगस्त को मेरी सास पैदा हुई थी रात 1 बजे पूरे। उसकी क्या वजह, पूरे रात के 1 बजे क्यों? वो फिर जवाल का टाइम था ना, इसलिए साथ अल्लाह का हुक्म हो गया। वो 1 बजे पैदा हुई थी, 2 बजे अल्लाह का हुक्म हो गया था। अल्लाह को प्यारी हो गई? अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो सास किस तरह बन गई तेरी?
बस सस पैदा हुई सी 14 अगस्त नूं, तो 14 अगस्त नूं अल्लाह दा हुक्म हो गया हुंदा, तो उंदी जिहड़ी कुड़ी सी उन्हें मेरा हाथ पड़ा दिया कि आ तेरी हैगी हुण। सस पैदा हुई मर भी गई, कुड़ी पता नहीं कित्थों आई, मैनूं तां अल्लाह ने दित्ती ना, सस भी अल्लाह ने दित्ती ते कुड़ी भी अल्लाह ने दित्ती। अल्लाह ने देनी सी होर तैनूं किहने देनी। बस मेरी सस ने मेरे हाथ पड़ा दी, कहिंदे पुत्तर तेरी हैगी, मैं कहा मेरी कित्थे हैगी, हुण इस टाइम दिमाग दी टिक टिकी, रात नूं फोन करदी आइसक्रीम लै के आओ, बच्चियां दे पैंपर लै के आओ, कित्थे लै के जावां। चलो मुझे ये बताओ कायदे आजम कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जीना थे। गराइस ने ये नहीं कहा मेरा सोना सी। मोहम्मद अली जीना थे माशाल्लाह, और उनकी कल जो है उन्होंने हमारा मुल्क आज़ाद किया था, बड़ी मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियाँ दे के, और बड़ी खूबसूरत लड़कियों को पीछे करके, बड़ी खूबसूरत लड़कियों को पीछे करके मुल्क आज़ाद किया था। क्या बात है, कैसे आज़ाद किया? वो आज़ाद उन्होंने लड़की की है, अपना मुल्क माशाल्लाह हमारा इस्लामी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने मुल्क पे और अपनी मुल्क की लड़कियों पे और लड़कों पे, जो माशाल्लाह अल्लाह को कम हुआ बस, लड़कियों पे भी इनको फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या है? कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ है 32 तारीख को पैदा हुए थे वो। 32 तारीख को पैदा हुए, 32 तारीख को कायदे आज़म पैदा हुए, कहाँ? तो हॉस्पिटल होते नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं होते थे, दाई ने किया था ना सारा लाल। अच्छा मेरी बात सुने, अब हम हैं 2000 से ऊपर की जनरेशन, वो वाले सवाल करें आप हमसे। 2000 से ऊपर वाली जनरेशन है, वो वाले सवाल करें। अच्छा चलो मुझे कौमी तराना सुना दो। पाक सरजमी, बंदे दे पुतना वाको खड़ा हो। हाँ मुझे ना बस 2 अल्फाज ही आते हैं और ज्यादा नहीं आते। जितने आते हैं उतने सुनाओ तो सही, सीधी तरह खड़े होके। पाक सरजमीन शाद बाग, आगे की पाक सरजमीन शाद बाग, शाद बाग कहाँ से आ गया? बाग दे बीच से पैदा हुए सी वो। शाद बाग, शाद बाद, शाद बाद, आगे किश्वरे, किश्वरे हसीन शाद बाग, कौम शान अजमे अली शान, नज़्मे पाकिस्तान, अजमे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाग, बस खत्म हो गया। सबक सुना रहे हो मुझे? सबक नहीं, मैं सीख रहा हूँ कुछ तराना, मेरी सास अपनी देखूंगा जाकर, रात को किसी को सुनाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा, कल आप आना आपको फिर पूरा तराना सिखाऊंगा। सुनाऊंगा कि सुनाऊंगा? आऊंगा भी, सिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। आपको आता है? मुझे आता है, मुझे आता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? ये है 2000 से ऊपर वाले सवाल। अच्छा, सदियों से है लेकिन 1 महीने से ज़्यादा उसकी मुद्दत नहीं है, क्या है? वो डड्डू होएगा फिर। तीन से चार दिन की उसकी जिंदगी होती है, 5 दिन की ज्यादा ज्यादा 1 महीने की, पानी जब खत्म होता है फिर बेमौसमी कीड़े। चलो मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज है जिसके काटने पर तालियां मारी जाती है? जिसके काटने पर तालियां मारी जाती है, ताकि भी कड़ी चीज है। हाँ जी, तालियां नहीं, चपेड़ा मार देने फट के फिर लगता। पूंड नाल किस तरह मतलब तालियां मारी जाती है? यार कॉमन सेंस ली कोई, कॉमन सेंस क्या, तो कौन से आसमान से उठा के लेके आऊं सवाल? आप टोपी मैंने उतार दी है, आप कोई अच्छे वाला सवाल पूछिए। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसी क्या चीज है कि आपकी मेहरबानी, ये ना पूछे ऐसी कौन सी चीज है, वैसी हालचाल पूछ ले, ये ना पूछे इतना दिमाग नहीं है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसका किसी और को पता हो या ना हो लेकिन आपको पता होता है? वो ऐसा कौन सा पता है जो किसी और को पता हो या ना हो लेकिन आपको पता होता है? मेरे अपने घर का रास्ता। बिल्कुल, घर का पता ही है, यही सवाल है और इसका यही जवाब है। थैंक यू सो मच आपसे। क्या हाल चाल है आपके? कैसा चल रहा है काम शाम आपका? जबरदस्त जबरदस्त चल रहा है, रौनक लगी हुई है, लड़की आती है मजे में, लड़की आती है बिल्कुल इसमें है। अच्छा मुझे ये बताओ अगर बचता ही यही है, तनख्वाह तो घर जाती है, बचता ही यही है, लड़कियों को देख के खुश हो जाते हो और क्या। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि अगर मेकअप ना होता तो लड़कियों की क्या हालत होती?
मेकअप की जरूरत नहीं होती, जिनकी पर्सनैलिटी होती है, जिनकी पर्सनैलिटी होती है बच्चियों की लड़कियों की, उनको मेकअप की जरूरत कोई नहीं होती। जैसे कि मैम की पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, मेकअप करके आई हूं। नहीं, आपकी इतना मेकअप नहीं करते जितना मैंने देखा लोगों को क्रीम पाउडर वो लगाते हैं, कलर लगाते हैं, लेकिन आपका तो डिसेंट सा महसूस ही नहीं हो रहा, नेचुरल लग रहा आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आपको याद कर रहे थे, किधर गुम थे आप? मैं अभी आ रहा हूँ, जरा मैं लेट ही आता हूँ। वो कह रहे मेरी मम्मा के साथ डेट पे गए हैं पापा। डेट पे मारते हैं, कल मारेंगे इंशाल्लाह। कल 14 अगस्त है ना, कल खाने खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कोई काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हो गया वो? अच्छा चले, मुझे ये बताएं, मैंने आपसे जो सवाल किया है कि अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां कैसी होती, क्या होता, मतलब लड़कियों को? आई साहब ने जो बात की ना वो राइट है, जिसकी पर्सनैलिटी है तो वो है, जिसकी नहीं है मेकअप से भी नहीं। अच्छा, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी है, कोई शेर सुना दे। हमें उनसे मिलने का बड़ा शौक था, हमें उनसे मिलने का बड़ा शौक था, हमारी तमन्ना इस दिल में फना हो गई, लाशहोरी में जाने अनजाने में, लाशहोरी में हमसे कुछ शिकवे हुए, वो समझे कि हमसे खता हो गई। जब वो गुजरती थी मेरे पास से, जब वो गुजरती थी मेरे पास से, ऐसा लगता था कि दिल की बस्ती तबाह हो गई। अच्छा, हमें आप सॉन्ग भी सुनाए। अच्छा सा प्यारा सा। मेरे दिल की दुनिया में आकर ते देखो, मेरे दिल की तुमको हकीकत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। इतना सा, आज आप काम क्यों रहे हैं? क्यों रहे हो? बस आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल नहीं लग रही ना आज, तो आपकी आवाज भी नहीं निकल रही। बस ना ससुराल के घर जा रहा हूँ इसलिए ना। ससुराल के घर जा रहे हो तो इसमें रोने वाली कौन सी बात? अच्छा, रोने वाली बात नहीं है। ससुराल जा रहे हैं, रो रहा है, टांगे काम ना, ना ये बात नहीं है, ससुराल के घर जा रहा हूँ ये खुशी है। खुशी है इसीलिए तो आवाज नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही, जितनी है उतनी आवाज है। आपने मुझे सॉन्ग सुनाया, किसी को पता नहीं चला कि आपने सॉन्ग सुनाया? नहीं, किसी को क्यों पता चले, आपको पता चल गया ना। इसने इतने समझ नहीं आई, बस आपने कहा किसी की दुनिया में आ गए देखो। बस ये आपका ना कानों का इलाज होने वाला है। कानों का इलाज होने वाला है। अच्छा चले, कौमी तराना सुना दो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्लाह का। इतना टैंड है शुरू कर दी तुमने? आपने मुझे कहा था। मैंने कहा था? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त को कौन पैदा हो? 14 अगस्त को पाकिस्तान। कहते आजम फोत हो गया। कितनी बुरी बात है, तुम हमारे लीडर को क्या बोल रहे हो? चलो आगे आगे। हेलो गाइस। अच्छा हेलो गाइस, बोलो। चलो मैं बताऊं? क्या बोलूं, गाने तो वो टप्पे वो वाले। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि कायदे आजम कब पैदा हुए? कायदे आजम 1947 को, मुझे पता नहीं ना इसलिए बता रहा हूँ। तरीके पूछी। इलामा इकबाल कब पैदा हुए? 1945। अच्छा ठीक हो गया। बहुत ज्यादा बीमार है, ये भी सारा कुछ पूछो। बहन बहुत ज्यादा बीमार है, आगे आगे पूछी। अच्छा, कुछ खाया नहीं तुमने? मीना हो गया, कुछ नहीं खाया? क्यों? बस गर्मी की वजह से ऊपर से परेशान, इतना बहुत ज्यादा परेशान। परेशान हो? अच्छा मुझे ये बताओ, इलामा इकबाल कौन थे? ये नहीं पता। ये नहीं पता? अच्छा चलो ना, मुझे ना कोई सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग वही रैप अच्छी वाला लग दी मेनू जीवे। लगती मैनू जीवे उम्र दी कोई ना, उम्र दी कोई ना, मिठिया गल्ला कर कुड़िया मकीना, कुड़िया मकीना। ये चांद रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, जैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों में कश्मेरा। इस चश्मे को हटा लें, आंखों से मिला लें, आंखों के शीले जाम आंखों से हटा लें। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, फोन को हटाओ जी, डैडी को मिलाओ जी, फ्यूचर से मारी बात करवाओ जी। हेलो गर्ल, ये पैसा ये गाड़ी, आप दो दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुआ मारी।
तुमने अच्छे से याद करना है, तुम्हारी गलतियां भरी हुई हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा कोई सॉन्ग सुनाओ। इसके अलावा वो इधर बात सुनो, पैन का बता दो सारा। पैन पैन क्या बताना तुमने? चलो चलो फिर कुछ कोई बात नहीं है, अल्लाह दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह उनको सेहत दे। इसके अलावा कोई सॉन्ग सुनाओ। इसके अलावा वो हर वाले वो करती रहती, वो सुनाया था हर वाले हर वाले ओ करती रहती ब्लै 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 हर वाले ओ करती रहती ब्लै 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 इंदे कोलो रब्बा मैनू तू बचा कुछ मारी चबली फैड़ा लबली माँ मेरी ने कितो लबली ओ भी नकली पांदी ऐनक टांदी ऐनक गल्लां करती रहती ओटक मैटक वाले ओ करती रहती ब्लै 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 हर वाले ओ करती रहती ब्लै 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 ले 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 एंदे कोलो रब्बा मेनू तू बचा चलो। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। अच्छा अब कोई टप्पा सुनो। अच्छे वाला बड़ा रैक। चला मेरा जीवे डोला कोई तार दे उते तार पई ओए लोकां दियां दो दो नानियां साडी इको बमार पई साडी इको बमार पई चाला मेरा जीवे डोला किन्ना कू विच पानी है छोटी बच्ची सानू दे दो वड्डी नस भी ते जानी है वड्डी नस भी ते जानी है शाला मेरा जीवे डोला किन्ना कू विच पानी है ओए थोड़ा जेहा पानी सानू दे दो असा कुत्ती विनवानी ऐसा कुत्ती विनवानी है। कुत्ती क्यों नवानी है? बस वैसे ही कुत्तियां बहुत है हमारी गली में। कुत्तियां नवानियां ने? हाँ जी। अच्छा चलो कोमी तरह ना सुनाओ। गाना छोटा सा आता है फिर मैं माई दे खूचो पानी दा बघूं मैं माई दे खूचो पानी दा मैं माई दे खूचो पानी दा दो गल्ला जरूरी कर दिया दो गल्ला जरूरी कर दिया दिल वंजे आ डोला लुका कगर दिल वंजे आ डोला लुका कगर नी दिस दी बैठी अखियां नू मैं दस बैठियां सखियां नू नी उस दी बाजू अंधेरा ए मैनू उस दी बाजू सवेरा ए मैं माई दे खूचो पानी दा मैं माई दे खूचो पानी दा। अच्छा अब मुझे ये बताओ कौमी तराना होता है पाक सर जमीन शादबाद, आपको वो आता है? नहीं, वो नहीं। थोड़ा सा थोड़ा जितना भी आता है वो थोड़ा भी नहीं। स्कूल कभी नहीं गए? नहीं कभी। क्यों नहीं गए? बस वैसे ही पढ़ाई में ध्यान नहीं था। पढ़ाई में ध्यान नहीं था, ध्यान किधर था? ध्यान बाहर बूंदी वगैरह लड़कियाँ छेड़ ली लड़की बहुत देखती थी मुझे। लड़कियाँ तुम्हें देखती थी जी? लड़कियाँ पागल होगी? अन्नी अन्नी होगी। लड़कियाँ तुम्हें देखती हैं? हाँ जी अन्नी होगी। देख के लड़कियाँ अन्नी होगी क्यों? मैंने ये हैंडसम क्रीम लगाता हूँ, स्किन वाइट साबुन लगाता हूँ, राणा राजपूत के साइयों का बेटा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, वहाँ से टिकटॉकर फेमस हूँ। हेलो गाइस के नाम की है क्या हाल चाल? ठीक आप सुनाओ। क्या नाम है? शाकिर। शाकिर शाकिर क्या करते हो? मैं स्टडी। कौन सी क्लास में? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट हो? डॉक्टर बनने का इरादा है जी। किसका इलाज करना है? मैंने इंसानियत का। इंसानों का करना है जी? इंसानियत का। इंसानों का कैसे इलाज करना है? इंसान इंसान का इलाज है इस टाइम तो नवाज शरीफ का इलाज करना है बस। बाहर जाता है ना इलाज के लिए? हमने को इधर ही बुला के कराना है, अब तो आ गया ना। क्या करोगे इलाज उसका जरा ये बताओ। शहबाज शरीफ के पास जो पैसा हमने वो निकालना बस। वो निकलवाना पेट के अंदर से? पेट के अंदर से बस। जो इन्होंने पैसा चोरी किया हुआ हमारे मुल्क का हमने वो निकालना बस। निकलवाना है आपको? पूरी श्योरिटी है कि पैसा चोरी किया गया? हाँ जी पूरी श्योरिटी है। कैसे? 15 साल से लूट रहे हैं मुल्क हमारा, अभी भी लूट ही रहे हैं ये लोग। वो हमारा लीडर है, अभी भी है और रहेगा। जेल में रहेगा जी? बाहर बस चंद दिन है उसके। चंद दिन है? हाँ जी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी? दूध भी देता है अंडे भी? दूध भी देता है और अंडे भी? बतख। बतख दूध भी देता है अंडे भी? अंडे तो देता है, दूध का पता नहीं। हाँ तो
ये बताओ वो ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी? नहीं, चमगादड़ नहीं हो सकता। नहीं, इसका आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया। अच्छा चलो मुझे बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसकी मुद्दत एक महीने से ज्यादा नहीं है? एक महीने से ज्यादा नहीं है? चांद। सीरियसली? यस। अच्छा चलो मुझे बताओ कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो छलांग ही नहीं लगा सकता? छलांग ही नहीं लगा सकता? सांप कह लें आप। वो करता है जंप। जंप कर सकता है? बस इसके अलावा, इसके अलावा नहीं आइडिया पर। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? बहुत लड़कियों की होती है। लड़कियों की जुबान बहुत लंबी है। लड़कियों की जुबान कैसे लंबी होती है? उनकी वो चार लड़कियां इकट्ठी हो जाए तो बस फिर वो दो घंटे पर उठती नहीं है। जब लड़के बैठ के आपस में बातें शाते करते हैं तो वो नहीं उठते? नहीं, वो तो अपनी बातें करते हैं ना। लड़कियाँ क्या बातें करती हैं? लड़कियाँ चुगलियाँ बस, जिनको उनका काम है। तो लड़के चुगलियाँ नहीं लगाते? नहीं, वो अपनी बातें करते हैं बस। अपनी क्या बातें करते हैं? अपनी जैसे खेल खूल हो गया, कोई स्टडी के मुतालिक हो गया, लेकिन लड़कियों का काम ही बस हमेशा से ये चुगलियाँ। अच्छा चलो मुझे बताओ 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? 14 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान पैदा हुआ था हमारा। अच्छा कैसे पैदा हुआ? वो कायदे आजम ने करवा दिया था बस। कायदे आजम ने करवा दिया था? कायदे आजम ने करवा। अच्छा मुझे कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ बताओ। कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ? माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, याद होगी। 9 सितंबर है शायद। 9 सितंबर है? हाँ। फिर सोच लो। इतना ही आइडिया शायद 9 या 11 सितंबर ही है। 11 सितंबर 1978 है शायद। सीरियसली? इतनी ही आइडिया है बस। वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद रहती अब हम मेडिकल के। अपने लीडर की डेट ऊपर थी याद नहीं है? नहीं, अपना लीडर तो हमारा इमरान खान है ना, वो तो कायदे ने पाकिस्तान बनाया है उसका कोई नाम वो तो बस बना के चले गए ना। वो चले गए हैं चला जाता है क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ भूल गए? चोरों को मुसल्लत करके चले गए तो बस अब हम क्या करें? वो उन्होंने थोड़ी मुसल्लत किया, वो तो तुम लोगों ने खुद किया है वोटिंग डाल के। नहीं, हमने तो नहीं किया, हमने तो इमरान खान को वोट दिया था। तुम्हारा वोट कास्ट नहीं हुआ। मैंडेट से जो आते हैं फिर उनका हाल यही होता है। अच्छा चलो कौमी तराना सुनाओ। कौमी तराना आधा आधा आता बस, जितना आता है उतना तो सुनाओ। पाक सर जमीन चाद बाद की शुरे तीन चाद बाद तू ने जाने अजमे आली शान अजमे पाकिस्तान मरकज यकीन शाद बात पाक सर जमीन का निज़ाम आगे नहीं आता बस इतना ही आ रहा कुवत या कुवत अवाम को मुल सल्तनत बाई राजा बिंदाबाद पाक सर इतना ही आगे नहीं आता पूरा याद ही नहीं है मुझे। अच्छा सही हो गया। कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा। क्यों? असम्बली में जाते ही नहीं थे कभी। लब्बे आती है? नहीं लब्बे आती भी नहीं आती। हम कह रहे हैं असम्बली में कभी गए ही नहीं, टाइम से कभी स्कूल गए ही नहीं ना, ना कॉलेज कभी टाइम से गया कभी ना तो पढ़ी कभी नहीं। कोट वाला हिसाब नहीं होता। जब टाइम से आप स्कूल नहीं पहुंचते थे तो क्या सर कुछ नहीं कहते थे? नहीं। मैं तो बड़ी पढ़ती थी, थोड़ी देर खड़ा हो जाते थे बस सजा मिलती थी। हाँ वो अच्छी बात है, पहले लेक्चर मिस हो जाता था। चलो मैंने कह दिया, बहरहाल किसी भी मुल्क को ना हमें चाहिए कहीं धूमधाम से 14 अगस्त मनानी है। मनाने का मकसद ये हमें पता चले कि ये पाकिस्तान मुल्क है। ये पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान इस वजह से बना था क्योंकि ये पाकिस्तान एक अलहदा मुकबी रियासत थी, हिंदुस्तान से अलहदा मुकबी रियासत थी और इसको अलहदा वतन अलहदा हिंदुओं से अलहदा करने का मकसद था हमारा। हिंदुओं से पाकिस्तान को अलहदा करने का ये हमारा मकसद था। अच्छा मुझे बताओ इलामा इकबाल कौन थे? कौमी शायर थे हमारे। कौमी शायर थे? कोई इलामा इकबाल का शेर आता हो? मोहम्मद से फातू नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है गलो गलम हम तेरे हैं। अच्छा मुझे बताओ इलामा इकबाल कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा चलो मुझे ना कौमी तराना सुनाओ। आप सर जमीन शारवा केसरे सीन शारवा तू निशाने अजमे आली यार अजमे पाकिस्तान अरे मन मंजरे मुरा। ये तो बच्चों का नहीं, बच्चे इससे सुने ना बच्चे से। मैं जितना टाइम मैं बहुत सही जा रहा हूँ अगर ऐसे भी मैंने पैसों की खूबसूरती पूरे मुल्क को सजा देना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की खूबसूरती में भी झंडिया लोगों को बैचेस वगैरह डोल मौके के नाम से खूब हला गुला हंगामा रही करनी चाहिए और एहतियातें ये रखना चाहिए जो बच्चे जो हलाबाजी करते हैं लड़बाजी करते हैं बाइकों पर जाके उनको एहतियात एक्सीडेंट की खूसन एहतियात रखनी चाहिए और डबल सवारी पे वो बोंदी लगा देते हैं इस वजह से बोंदी लगा दी जो हमारे नौजवान है ना वो मौत के घाट भी उतर जाते हैं उनको एक्सीडेंट भी होता है अल्लाह खैर करे उनके लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा चलो कोई सॉन्ग सुनाओ। दिल दे दिया इसके अलावा साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन सारा वतन। बाय टाटा गुड बाय गया ए नगदी सौदा नहीं मिलदा बाजारा इच बस कोई सॉन्ग सुनाओ। दे दिया है
रुख जिंदगी ने मोड़ लिया है ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रो रो के आंसुओं को दाग डुल जाएंगे, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। लगता है तुम्हें ना सॉन्ग भी भूल गया है, तुम्हारा दिमाग ही घूम गया है। चलो चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? नूर। नूर, नूर तो लड़कियों का नाम होता है ना। खान भी है साथ। नूर खान। अच्छा मुझे ये बताओ, जो पठान होते हैं उनके नाम इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं? वो पहले कभी होए करते थे, अब नहीं है। सीरियसली अब नहीं होता इस तरह? नहीं, सबसे ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तानों में, पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट आके देख लो। किसमें है? पठानों में टैलेंटेड पठान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इंटेलिजेंट होते हैं पठान, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? दुकानदार कह रहे हैं। दुकानदार ही है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वैसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? औरत। ये सवाल मैंने जहाँ भी पूछा है औरत का ही नाम आया, क्यों औरत की ज्यादा लंबी जुबान होती है? वैसे होती तो नहीं है, पर वो हो जाती है फिर जब टाइम आता है। शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाली होती घर जाके? नहीं, वो हमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? औरत की लंबी जुबान बोल दिया तो वही बोलते है ना जो जिसकी कुत्तों वाली हो रही हो घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहीं होती। नहीं होती? अच्छा, मतलब खुश हो अपनी लाइफ में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मुझे ये बताओ 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? हम 14 अगस्त मनाते ही नहीं, हम आजाद कौम थोड़ी है। आप 14 अगस्त नहीं मनाते? नहीं। आजाद कौम नहीं हो? नहीं। संगल डले हुए हैं तुम्हें? नहीं, वो तो हम खुले डुल्ले हैं। देखो 14 अगस्त क्यों नहीं मनाते? 14 अगस्त को पैदा कोई नहीं हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, पर इस चीज को समझता कोई नहीं है कि आजाद है। आजाद है, इस चीज को कोई नहीं समझता। अच्छा चलो मुझे बताओ, जो हमसे बाद में मुल्क आजाद हुई वो दुनिया के चौथी मईशत मुल्क बन गई और हमारे माशाल्लाह और नीचे को आ रही है, तरक्की नहीं हुई हमारे इस मुल्क। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, कायदे आजम कौन थे? वो काश मेरे दादा होते तो नोट आज मेरे पास होते। काश मेरे दादा होते तो मेरे पास। बताए तो सही, कायदे आजम कौन थे? कायदे आजम सबको पता ही है कौन, तुम्हें नहीं पता लग रहा? पाकिस्तान की बुनियाद जिन्होंने रखी थी। बुनियाद कायदे आजम ने रखी है? जी। बुनियाद कायदे आजम ने रखी है? किसने रखी है? वो चलो मुझे बताओ, कायदे आजम थे कौन? पाकिस्तानी थे। और कौन? पाकिस्तानी थे। कायदे आजम पाकिस्तानी थे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ठीक। हाँ मैं इतना नहीं। हाँ कायदे आजम पाकिस्तानी थे, गुड हो गया। अच्छा इलामा इकबाल कौन थे? वो भी पाकिस्तानी थे। वो भी पाकिस्तानी थे। करते हाले हम अफगानिस्तानी है, बस अफगानिस्तानी नहीं है पर पठानों की जो जड़ है वो अफगान है, बस सारे पठान। इलामा इकबाल करते क्या थे? शेर और शायरी करते थे। शेर और शायरी करते थे। उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? वो मुझे नहीं पता। और कायदे आजम की? उसका भी नहीं पता। कायदे आजम को जानते हो आप कौन है? नोट पे तस्वीर देखी है, जानता नहीं हूँ। पर्सनल तरीके से कायदे आजम को नहीं जानते, बस नोट पे फोटो देखी है। ठीक हो गया। कौमी तराना सुना दो। वो कल सुनाएंगे। आज क्या है? आज क्या है? आज 13 अगस्त है, मैं 15 अगस्त को सुनाऊंगा। 15 अगस्त को क्यों सुनाना है? नहीं आता वो पाक सरजमीन? आता है, शर्म आता है, बोल नहीं सकते। शर्म क्यों आता है? अपना कौमी तराना सुनाते वक्त ही शर्म आता है? नहीं ना। चले मैं भी आपके साथ पढ़ती। नहीं मुझे पाक सर। आ जा यार, तू पढ़ ले, लगा दे इधर। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वैसी क्या चीज़ है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? ना जल सकती है ना डूब सकती है, अजीब सा सवाल है। अजीब सा सवाल है, मतलब नहीं आता कोई गाना, कोई शेर शायरी? गाने नहीं आते। कोई शेर सुना दो। वो जोली का पूछे उसका सारा कुछ आता है मुझे। शेर भी नहीं आता कोई? नहीं, पश्तो नहीं आता। क्या नाम है? अख्तर खान। अख्तर खान, क्या करते हो? ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कायदे आजम कौन थे? वो जो जिसने पाकिस्तान बनाया। कायदे आजम है, क्यों बनाया पाकिस्तान? उनको नहीं पता था, पता होता तो नहीं बना रहता। उनको नहीं था पता कि तुमने पैदा होना इस पाकिस्तान में? हमने नहीं, जो आजकल जो लोग पैदा होते हैं ना उनको नहीं पता होता, अगर पता होता तो ये नहीं बना देता। ये नहीं बनाना था, गलती से बनाया है। गलती से बनाया। अच्छा 14 अगस्त को क्या करते हैं?
बस घर में बैठ के नींद पूरा करते हैं। नींद पूरा करते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? पटवारी। वो पटवारी जल नहीं सकते या डूब नहीं? ना डूबते, जाहिर सी बात है। भी नहीं है। वो मर भी पटवारियों से इतनी नफरत? मर भी जाते हो, पैदा हो जाते हैं, पैदा हो जाते, फिर पैदा हो, मतलब खत्म होने वाली जींस नहीं? नहीं। अच्छा चलो कोई शेर सुनाओ। शेर नहीं आते। सॉन्ग नहीं आते, शौक नहीं। चलो कोई अच्छा सा पैगाम, ये कि अपना काम करो, अपने बिजनेस करो, और महंगाई तो बहुत ज्यादा है, दूसरों का जीना हराम करो। वो तो होना ही है, सबने महंगाई, जो हुकूमत करते तो लोगों को क्या है, जाहिर सी बात है हुकूमत ने शुरू किया, अब लोग जो लोग हैं ना वो छोड़ दे, अपना काम करे, तो हुकूमत वैसे अगर हम बाहर निकले या घर में बैठे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ते, बस अपने काम करे, अपने काम से काम रखे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल अहद है, प्यार से शानी बोलते हैं। प्यार से शानी क्यों बोलते हैं? अच्छा तो करते क्या हो आप? काम करते हो? कौन सा काम? घर का काम? जो सा मिल जाए। फिर भी कोई प्रोफेशनल वर्क बताओ ना। प्रोफेशनल सेल्समैन। सेल्समैन हो, सही कमाई शमाई कर लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसी क्या चीज़ है या वो ऐसा कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? जानवर में जानदार है, लिविंग थिंग है, जानदार है। जानदार है, अंडे भी देता है और दूध भी देता है। कोई शगुफ्ता ही होगा। कोई शगुफ्ता ही होगा, मतलब ट्रांसजेंडर को बोल दिया। अच्छा चलो, नहीं पता आपको? नहीं पता। चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? जवाब भी देना। नहीं, वो हम बाद में जवाब देंगे ना। वो ऐसी क्या चीज़ है जो ना जल सकती है ना डूब सकती है? ना जल सकती है और ना डूब सकती है। पानी? नहीं, पानी से मिलता जुलता। पानी से मिलता जुलता है, नहीं पता। आप तेजाब? नहीं, तेजाब तो वैसे ही वो किसी पे भी डालो तो कोई भी इंसान जल सकता है उससे। हार्ड थिंग? नहीं, बर्फ है। ठीक है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ? ये सामने भाई खड़े हैं, ये पैदा हुए, ये पैदा हुए हैं जी। कोई नहीं, मजाक कर रही थी। नहीं पाकिस्तान? पाकिस्तान पैदा हुआ। अच्छा पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान का बनाने का मकसद ये था कि हमारी कौम आज़ाद रहे और आज़ादी मिले, उन्हें खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, कोई मसले मसाइल ना हो। लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे आए हैं 14 अगस्त पे पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हुक्मरान कुछ ऐसे आए हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कायदे आजम कौन थे? कायदे आजम हमारे बानी थे और हमारे मतलब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान नवाजा, और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक उनका नाम कायम रहेगा और पाकिस्तान आज़ाद रहेगा। चलो मुझे ये बताओ कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ आज से 12 साल पहले पता था, भूल गया। 12 साल पहले इनको पता था, अब भूल गए हो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ इलामा इकबाल कौन थे? ओप हेलो इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिना हमारे कौमी शायर। जिना कहाँ से हुए? ओह सॉरी, इलामा इकबाल मोहम्मद अली जिना नहीं है, हमारे शायर थे, कौमी शायर थे, बता तो दिया, कौमी शायर थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
नवंबर 1870 के बारे में। उनका जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्यों नहीं पता? बस भूल गए। भूल गए हो, चलो कौमी तराना सुनाओ। कौमी तराना भी नहीं आता। कोई कौमी तराना नहीं, वो मिली नगमा है। पाक सर जमीन, पाक सर जमीन, पाक सर जमीन शाद बाग, ईश्वरे हसीन शाद बाग, तू निशाने अजमे आलीशान, अजमे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन यकीन शाद बाग, शाद बाग। कंप्लीट नहीं आता। मेरे पैदा होने का क्या मकसद है? ये तो अल्लाह ताला ही। जो मेरी फील्ड है उसमें सॉन्ग सॉन्ग भी याद नहीं है। कोई याद नहीं है, कोई शेर? हाँ शेर सुना सकते। पागल पंदियां ही सारियां ही लिखा मेरे हाथ विच क्यों, पागल पंदियां ही सारियां ही लिखा मेरे हाथ विच क्यों, जिन्हू चावा मैं ही चावा, मैं ही चावा क्यों। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस जी। तो नाज़रीन हमारे वैसे टाउनशिप मार्केट में, और आज की जो पहेली थी वो ये थी कि वैसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है, जिसपे कई लोगों ने कहा कि ये तो दुकानदार है। तो बिल्कुल दुकानदार ही है, तो वो दुकानदार ही है जिस जो अंडे देता है और दूध देता है, कोई जानवर नहीं है, नहीं है। तो उसके जैसा कि आप जानते हैं ये अगस्त का महीना है, और अगस्त के हवाले से भी हमने बहुत से सवाल किए। 14 अगस्त को कौन पैदा हुआ, पाकिस्तान कायदे आज़म कौन थे, इलामा इकबाल कौन थे, और कौमी तराना जो कि मैं इस महीने में सबसे सुनती आ रही हूँ, माशाल्लाह से किसी को नहीं आता। हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के हवाले से नहीं पता कि जी पाकिस्तान में हुआ क्या था, 14 अगस्त को क्या हुआ था, कायदे आज़म कौन थे, इलामा इकबाल कौन थे। तो आज के जो प्रोग्राम है उसका हम इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।